बलरामपुर सोहेल देव वन्यजीव अभयारण्य में बनकटवा रेंज अंतर्गत लेबुड़बाग गांव में तेंदुआ नवनिर्मित मकान की दीवार पर आधे घंटे तक बैठा रहा। ग्रामीणों की घेराबंदी पर तेंदुआ भाग निकला, लेकिन कुछ ही देर बाद वो फिर से दीवार पर बैठा, जो देख ग्रामीणों के होश उड़ गए। दोबारा हाका लगाने पर तेंदुआ वन टाकिया की ओर भाग निकला। खरझार नाले के निकट निराश्रित बछड़े को मारकर उसे खा गया। इस घटना से ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने गांव में पिंजरा लगाने की मांग की है। तेंदुआ आसपास गांव में दिखने पर लोगों का भय बढ़ता जा रहा है। लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहे। लेबुड़वा निवासी प्रमोद कुमार वर्मा गांव से हटकर मकान का निर्माण करवा रहे हैं। सोमवार रात 9 बजे वह खेत से भ्रमण कर लौट रहे थे। टॉर्च जलाकर देखा तो दीवार पर तेंदुआ बैठा था। हमको ससमय यदि सूचित करोगे तो हम उसकी कार्रवाई पूर्ण करेंगे। जैसे अभी आपने मैंने बताया पिछले वर्ष की बात आप लोग को शायद याद होगी, धनगढ़वा और बेलवा और ये लालपुर सिपहिया यहाँ पे कांड हुए। ठीक है, हमने सफलता देर में पाई, भाई मैं भी आपकी तरह इंसान, लेकिन मैंने 1.5 महीने के अंदर ही तीन के तीनों को पकड़ के भेज दिया। एक को गोरखपुर, एक को लखनऊ और एक को कानपुर भेज दिया। ऐसा नहीं, हम भी आपकी तरह किसान के लड़के हैं, हम आपकी समस्याओं को समझते हैं हर चीज़ को। मैं बलरामपुर से भक्त क्यों आया, इसलिए आया कि हम आपके अंदर विश्वास एक जगा सकें कि मैं पहुंच जाऊंगा हर समय। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।